तो आज हम नहीं, मैं बना रहा हूँ खिचड़ी। दो तीन लोगों की खिचड़ी के लिए आपको चाहिए एक डब्बा घी, थोड़ी सी दाल, ऐसी नहीं भीगी हुई हुई दाल, एक बड़े डब्बे में कम नमक, ये कम नमक बहुत ज़रूरी है, थोड़े से मसाले, मिर्ची, राई वाई आपको जो भी डालना हो, और भूख भूख होनी चाहिए, भूख का फ़ोटो नहीं है, और मूंग खिचड़ी गढ़ने के लिए। तो एक कुकर में आप पहले तो थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें हल्दी डाल दे, थोड़ी और डाल दे, थोड़ी और थोड़ी डाल दे, थोड़ी और, मैं कहा थोड़ी और थोड़ी डाल दे, और डाल दे, और थोड़ी, मज़ा आ गया। ठीक है, अब भिगोई हुई आपका दाल राइस जो भी है वो डाल दे, मतलब ऐसे वो नहीं डालना जैसे मैं डाल रहा हूँ, मैं दूसरे हाथ से ये वीडियो बना रहा था इसलिए ऐसे फुद्दू के जैसे डल रही है, मतलब मैं फुद्दू नहीं हूँ, मुझे आता है डालना, ये वीडियो से आपको शायद ऐसा लगता होगा। गिरजा भाई गिरजा, अरे पूरी गिरजा गिरजा, मज़ा आ गया। अब जो कम नमक था उसमें से थोड़ा आप नमक और कम करके इसमें डाल दे, ये कम नमक जो है ना वो पूरी आपकी फील बिगाड़ सकता है खिचड़ी की, तो आपको जितना डालना आप डाल दे, डाल दे, हाँ ऐसे। ठीक है, अब तड़का लगाते हैं। तो एक पैन में आप थोड़ा सा तेल ले लो, ये पानी जैसे लगता होगा पर है तो तेल ही, उसमें घी डाल दो, 5-7 चम्मच, 10 चम्मच डालना उतना डाल दो, डाल दो और डाल दो, गिर जा भाई, हाँ मज़ा आ गया। अब जो आपको कांदा लहसुन मिर्ची वर्ची डालना हो डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने लहसुन काट के रखा होगा तो डालना मत भूलना, मेरे लहसुन बेचारे सिंक के सिंक में रह गए, अब पता नहीं इनका नंबर कब आएगा। अब जो आपका तड़का लगा है उसमें अच्छे से खिचड़ी डाल दे, मस्त गिर जा, मैं कहा गिर जा भाई और गिर जा, हाँ मज़ा आ गया। अब अच्छे से मिक्स करके जैसे भी खाना हो आप खा लो, और मुझे ज़रूर बताना कैसे बनी है, तब तक मैं पिज़्ज़ा खा के आता हूँ, बाय।